घर बना रहे हैं तो घर बनाते समय क्या क्या गलती होती है वो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा होगा यहाँ पे जो इसका वॉल प्लास्टर है, प्लास्टर करने के बाद क्या गया है कि वॉल को फिनिशिंग करने के लिए, सरफेस को स्मूथ करने के लिए इसमें पीओपी की गई है, ठीक है। तो पीओपी से करने के बाद यहाँ पे देखना कंडूटिंग हुई है, तो यह जो कंडूटिंग हुई है तो अब इसमें पीओपी करेंगे या फिर प्लास्टर करेंगे तो वो जो जॉइंट होते हैं क्रैक्स कर जाएंगे। तो कभी भी आप प्लास्टर कराते हैं तो प्लास्टर कराने से पहले ही ये कंडूटिंग करा लें, इलेक्ट्रिक के जो पाइप होते हैं वो पहले से ही होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक्स हैं क्योंकि ये जो पीओपी होती है सब ये पपड़ी बन जाएगा और दूसरा ये जो प्लास्टर होता है इसके फेस से बाहर आ गया है, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान देना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक कंडूटिंग है वो हमेशा पहले ही कराना चाहिए। ये भी एक मिस्त्री की गलती होती है या फिर एक ओनर की गलती है कि उसको अपने घर बनाने से पहले ये चीज़ें ध्यान देनी चाहिए, घर बनते समय भी ये चीज़ें ध्यान देनी चाहिए कि घर बनाते समय क्या क्या गलती हो रही है, क्या क्या उसको ठीक कराना चाहिए, ठीक है। तो बिजली गलती हो गई यहाँ पे। दूसरा जैसे कि यहाँ पे देख स्विच बोर्ड, तो स्विच बोर्ड भी आप यहाँ पे एक स्विच कहीं पे बोर्ड लगे हुए हैं कहीं पे नहीं है। उसके बाद ये प्लास्टर है, तो प्लास्टर यहाँ पे हो चुका है लेकिन डोर फ्रेम नहीं लगे हैं। तो ये भी एक मिस्टेक होती है कि हमेशा जब भी आप प्लास्टर कराए तो प्लास्टर कराने से पहले डोर विंडो फिटिंग करा ले। अगर एलुमिनियम की है तो वो बाद में लग जाती है, लेकिन अगर स्टील की है या फिर MS की है या फिर वुडन की है तो उसके होल्ड फास्ट को कास्ट करने के लिए तो इसलिए पहले से ही कास्ट किया जाता है। तो इसमें भी ये एक सबसे बड़ी मिस्टेक हुई है, ठीक है। तो उसके बाद सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि जब भी मिस्त्री प्लास्टर करता है तो प्लास्टर कराते समय ये ध्यान देना चाहिए कि वाल की प्रॉपर क्यूरिंग होनी चाहिए, प्रॉपर तराई होनी चाहिए। अगर वाल प्लास्टर में करा रहे हैं तो प्रॉपर प्लम्बम होना चाहिए जिसको बूंदा बोलते हैं। तीसरा ये रहता है कि क्यूरिंग होने के बाद इसमें घोला जरूर लगाएं। देखो यहाँ पे मिस्त्री ने क्या किया है कि कोई भी सीमेंट का जो सलरी होती है, सीमेंट की जो घोला होता है वो यूज नहीं किया गया है, ठीक है। तो इससे भी ये जो होता है प्लास्टर वो अपनी जगह से छोड़ देता है, तो प्लास्टर क्या होता है पपड़ी बन जाती है। और तीसरा ये मिस्टेक होती है कि जो प्लास्टर की जो थिकनेस होती है वो कम से कम 10 mm की हो या फिर 12 mm की होनी चाहिए। सरफेस अगर जैसे कि चुनाई का जो सरफेस होता है, फिनिश सरफेस होता है जहाँ पे धागा बांधा जाता है, तो वहाँ पे कम से कम दाब की 10 mm तक लिया जाता है, और जहाँ पे रफ सरफेस होता है वहाँ पे आप 12 mm तक लिया जाता है, क्योंकि वो एवरेज आ जाता है। एक क्योंकि ईंट थोड़ी अंदर बाहर होती है, मसाले थोड़ा बाहर ज़्यादा होता है, तो उसका एक एवरेज मोर्टार की जो थिकनेस आ जाती है वो 12 mm तक आ जाती है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मोर्टार की जो थिकनेस है वो कम से कम 25 से 30 mm आ रही है, इस बेस पे जो पपड़ी बन जाती है, ठीक है। और ये अपनी जगह से छोड़ देता है जो भी मसाले के अंदर सीमेंट सिलरी, जो सीमेंट होता है अब वो जो सिलरी होती है, जो सीमेंट का जो मॉइस्चर होता है वो सभी जो ईंटें होती है वो सोख लेती है, तो इसी बेस में जो मसाला प्लास्टर होता है वो सुखड़ जाता है, तो वो अपना सूख जाता है, तो इस वजह से ये जगह छोड़ देता है। ऐसे ही ब्रिक मेजरिंग के अंदर भी अगर आप ईंटें सूखे लगाएंगे तो वो जो मोर्टार करते हैं, आप जैसे ये मोर्टार यूज हो रहा है यहाँ पर हमने देखा ये क्रैक क्रैक से जो आ रहे हैं, तो ये भी ये रीज़न होता है कि सबसे पहले ईंटों को तराई होनी चाहिए, तराई के बाद ही मोर्टार जो ये मसाला होता है वो अच्छे से यूज करें। और ब्रिक मेजरिंग के बाद जहाँ पे भी सीमेंट का यूज़ होता है वो नेक्स्ट डे ज़रूर तराई होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी एक मिस्टेक हुई हुई है, ठीक है। तो जैसे कि क्रैक्स आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे क्रैक्स आए हुए हैं, तो ये भी एक सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। उसके बाद सबसे बड़ी मिस्टेक आप यहाँ पे देख रहे होगी कि जो डोर या फिर ओपनिंग होती है या फिर आप पहले से लगा रहे हैं या फिर एल्यूमिनियम लगा रहे हैं, तो वहाँ पे लिंटल की जो थिकनेस कम से कम जितनी आपकी चौड़ाई होती है उस कम से कम इतनी होनी चाहिए, ठीक है। तो 4 इंची की है तो 4 इंची में लिंटल की जो थिकनेस 4 इंची वृद्ध हो जाएगी, और कम से कम 5 से 6 इंची और डेप्थ रहनी चाहिए इसकी। 9 इंची की है तो वहीं पर 9 इंची में हम कम से कम भी 9x9 इंची लेंगे, 9x4 इंची नहीं लेना चाहिए, जितनी उसकी थिकनेस होती है उसके बेस पर ही प्रॉपर थिकनेस होनी चाहिए। दूसरा आपने देखा होगा यहाँ पूरे कम्प्लीटली क्रैक्स आए हुए हैं, तो ये जो क्रैक्स आए हैं जब भी आप डोर विंडो लिंटल होगा, जो लिंटल पे जो लोड आएगा वाल का, जो ये वाल होती है जो वाल के ऊपर जो लोड आएगा, लोड आने से वाल सेटलमेंट होगी, नीचे डाउन होगी, लोड आने से बैंड होगा ये बीम, और जो भी इसके ऊपर जो साइड में जॉइंट होगा वो सभी टोटली क्रैक्स आ जाएंगे। जैसे कि डोर लिंटल साइड से जाके देख रहे हैं जैसे क्रैक्स, और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ यहाँ पे।
जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो जो लिंटल है जस्ट ओनली इस हिस्से से, जैसे प्री कास्ट लिंटल की मिस्त्री ने ये गलती किया, ये प्री कास्ट लिंटल कास्ट कर दिया, मतलब पहले से ही कास्ट करके इसको रख दिया, बट लेकिन इसको बराबर ओपनिंग के ऊपर नहीं रखा। या फिर दूसरी गलती ये हो सकती है कि जो ओपनिंग यहाँ पे उसने यहाँ पे रखी थी, जैसे कि यहाँ पे बिल्कुल सीधा देख रहे हैं कि ओपनिंग यहाँ पे आ रही थी, उसने ओपनिंग जस्ट यहाँ पे रख दी इसको ईंट को काट के, तो एक यहाँ पे भी उसने गलती कर दी। अगर लिंटल यहाँ पे है तो इसको दोबारा ऊपर से तोड़ के इसको पूरा लिंटल को आगे बढ़ाना चाह, या फिर इसकी जो स्पैन है कम से कम ज़्यादा होना चाहिए, कि अगर फ्यूचर में पता है कि हमें ओपनिंग यहाँ पे नहीं होनी है, यहाँ पे होनी है, इधर आगे होनी है, तो लिंटल की जो कास्टिंग है वो कम से कम ज़्यादा कर देनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जब देख पा रहे होंगे लिंटल जस्ट ओनली सेटल बीच तक आया हुआ, यहाँ से बीच तक आया हुआ है, इसके बाद ब्रिक ओनली ब्रिक है। ठीक है, तो काफ़ी लोग ये भी करते हैं कि लिंटल भी प्रोवाइड नहीं करते हैं, जस्ट ओनली ब्रिक मेजरिंग कर देते हैं, उसके ऊपर एक या फिर दो सरिया उसमें रख देते हैं ब्रिक मेजरिंग के अंदर। तो सरिया से क्या होगा कि सरिया जस्ट ओनली मोर्टार के अंदर में वो भी फिर भी वो बैंड होना स्टार्ट हो जाएगा। कंक्रीट के अंदर हम सरिया करते हैं उसकी टेंसाइल रेनफोर्समेंट टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, ताकि जो सरिया जो कंक्रीट होती है वो बैंड ना हो सके, तो वो स्टील प्रॉपर उसमें यूज करता है। तो ठीक है, तो ये भी एक मिस्टेक है, जैसे कि यहाँ पे उसने ओपनिंग यहाँ पे दी है, जैसे ओपनिंग यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये ओपनिंग आ रही है, तो उसने क्या किया यहाँ पे मेजनरी कर दी और यहाँ से उसको तोड़ दिया, तो इस वजह से क्या हुआ कि लिंटल का जो दूरी है वो इधर पीछे रह गया और यहाँ पे ब्रिक मेजनरी रह गई, और लिंटल की स्ट्रेंथ है वो भी कमज़ोर होगी, तो तभी भी वॉल के अंदर क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। एक दूसरी मिस्टेक जैसे कि आप देख पा रहे हो जो ब्रिक वॉल है वो जस्ट ओनली बीम के नीचे नहीं आ रही है, जैसे अगर बीम का फेस हमारा वॉल के फेस में आता है तो वो भी एक ड्राइंग के अंदर ये मेंशन होता है कि अब बीम का फेस देंगे तो वो वॉल के फेस में ही देगा, जैसे कि यहाँ पे बीम आ रहा है एंड ये भी बीम आ रहा है, तो ये बीम वॉल के फेस में आना चाहिए था, जस्ट ये भी बीम क्या हुआ ये डिस्प्लेसमेंट हो गया बीम भी। ठीक है, या फिर ब्रिक मेजरिंग का जो वॉल है जो इसका स्पैन है वो विड्थ है बाथरूम की वो भी विड्थ बढ़ गई है, तो इस वजह से भी ये एक मिस्टेक होती है। और दूसरा ये रहता है कि जब आप टॉयलेट या फिर सिंकन बनाते हैं तो उसका जो टॉयलेट का सिंकन होता है उसमें प्रॉपरली से वाटर प्रूफ होना चाहिए नीचे से। वाटर प्रूफिंग करने के बाद एक स्पॉट पाइप, जैसे कि यहाँ पे सर्विस शाफ्ट होती है तो सर्विस शाफ्ट में स्पॉट पाइप निकाल दे, इन फ्यूचर में कोई भी लीकेज रहेगी तो बाहर निकल जाएगी। तो इस तरह से आप इसमें करा सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।